नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम लोग यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफेयर के तौर पर पीटी 365 को देख रहे थे, क्योंकि यह करंट अफेयर की सबसे अच्छी मैगजीन मानी जाती है। सभी लोग इनको एग्जाम टाइम में रिवीजन जरूर करते हैं और साथ ही साथ पूरे साल का करंट ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में निकालते हैं। तो हमने पॉलिटी पूरा कम्प्लीट कर दिया था, इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आठवां चैप्टर हमारा चल रहा है खनन और उद्योग। इससे पहले हमने कृषि को कंप्लीट किया था। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और साथ ही साथ इसमें हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो आज का चैप्टर ये है खनन और उद्योग। खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में देखना है। खनन और खनिज के विकास और विनियम से संबंधित एक संशोधन आया, उसी को देखना है। हाल ही में संसद ने खनन और खनिज विकास और विनियम संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह विधेयक खनन और खनिज विकास और विनियमन MMDR अधिनियम 1957 में संशोधित करेगा। यह है प्रश्न का भाग। पूछा जाएगा खनन और खनिज विकास जो संशोधन विधेयक हाल ही में लाया गया है 2023 में, वह किसको प्रतिस्थापित कर रहा है। वह प्रतिस्थापित कर रहा है 1957 के अधिनियम को प्रतिस्थापित कर रहा है। खनिज क्षेत्रों में कई प्रकार के सुविधा लाने के लिए 2015 में MMDR अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया था। इस संशोधन द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। यानी 2015 में क्या किया गया था, इसमें ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। इसके लिए जो जिला खनिज होंगे उनके लिए और साथ ही साथ राष्ट्रीय खनिज जो होंगे उनके लिए एक खोजकर्ता यानी अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। इस क्षेत्र में अन्य सुधार हेतु अधिनियम को 2015, 2020 और 2021 में भी संशोधन किया गया है। इन सुधारों में शामिल था कैप्टिव और मर्चेंट खनिज के बीच अंतर और को समाप्त करना, खनिज खनन लाइसेंस या लीज के हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंध को हटाना। अब है कि इस विधेयक जो हाल ही में 2023 में लाया गया, इसमें क्या खास बात है इसको देख लेते हैं। गहराई में मापे जाने वाले और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत की गई, मतलब कि ऐसे कि जो बहुत गहरे क्षेत्र में, तो उनके लिए लाइसेंस। यहाँ क्या तात्पर्य, यह महत्वपूर्ण क्रिटिकल और लाए और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों का पता लगाने के लिए संभावित स्थल पर जांच और सर्वेक्षण की अनुमति देता है। नीलामी MMDR अधिनियम में की सातवीं सूची में सूचीबद्ध खनिजों के लिए नीलामी के द्वारा अन्वेषण लाइसेंस दिया जाता है। सातवीं अनुसूची में कुल कितने हैं, 29 खनिज हैं। ये ध्यान रखिएगा, सातवीं अनुसूची जो है उसमें कुल 29 खनिज शामिल हैं, जिसमें लिथियम युक्त खनिज, तांबा युक्त खनिज और पोटाश और जस्ता खनिज युक्त शामिल है। अन्वेषण लाइसेंस की वैधता क्या है, यह लाइसेंस 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा। राज्य सरकारों के पास आवेदन कर लाइसेंस को 2 अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 5 वर्ष + 2 वर्ष 7 वर्ष के लिए हो सकता है। अब खनन पट्टा देख लेते हैं। लाइसेंस धारक द्वारा खोजे गए ब्लॉकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर खनन हेतु पट्टे पर देने के लिए नीलामी की जाएगी। इससे राज्य सरकार को बेहतर राजस्व प्राप्त होगा। अन्वेषण खनिज खनन पट्टे धारक द्वारा नीलामी प्रीमियम के एक हिस्से पाने के हकदार होंगे। अब है परमाणु खनिजों की सूची में शामिल 12 खनिजों में से 6 खनिज को बाहर कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ एक इंफोग्राफिक था, शामिल नहीं किए गए खनिज क्या क्या हैं, वो है बेरिल और बेरिलियम युक्त खनिज, लिथियम युक्त खनिज, नियोबियम युक्त खनिज, टाइटेनियम युक्त खनिज और आयक्स टाइटेलियम युक्त खनिज और जर्कोनियम युक्त खनिज और आयक्स हैं। अब इसमें ये कितने सूची, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही एग्जाम में इसको पूछा जाएगा। अब उसके बाद है महत्वपूर्ण खनिज देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सबसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज हैं बस, और ऊपर जो संशोधन वाली बात की गई वो पूछी जा सकती है। हाल ही में खनन
हाल ही में खान मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज पर देश की पहली रिपोर्ट जारी की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश की पहली रिपोर्ट है खनिजों समेत, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पहचान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस सूची में 17 दुर्लभ भू धातुओं और 6 प्लेटिनियम ग्रुप एलिमेंट्स के साथ कुल 30 महत्वपूर्ण खनिजों को शामिल किया गया। याद रखिएगा कितने खनिज है, टोटल 30 खनिज हैं, जिसमें से 17 जो हैं वो दुर्लभ धातुओं से संबंधित हैं और जो 6 हैं आपके वो प्लेटिनियम युक्त प्लेटिनम ग्रुप के से एलिमेंट हैं और भी महत्वपूर्ण इसमें जोड़े गए हैं। तो क्यों कुल मिला के 7 और इसमें जुड़ जाते हैं, 30 टोटल हो जाता है। REES में शामिल 15 15 लेंथेनाइड्स यानी कि आवर्ती सूणी में परमाणु संख्या 57 लेथेनियम और 71 तक स्कैंडिया यानी परमाणु संख्या 21 और इट्रिया 39 है। REE को हल्के REES द्वारा और भारी REES के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोई खनिज कितना महत्वपूर्ण है, इसका आकलन के रूप में 2 मापदंडों को आधार बनाया गया। इन्फोग्राफिक्स में देखिए, अब ये मापदंड देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है खनिज के महत्व, आर्थिक महत्व, फिर है आपूर्ति संबंधित जोखिम और खनिज के महत्व देख लेते हैं। आर्थिक महत्व क्या है, व्यवसाय की संभावना उसमें कैसी है, फिर है सब्स्टिट्यूटरी इंडेक्स यानी EI, फिर गावा ग्रुप स्कोर और फिर क्रॉस एडिक्वेटिंग इंडेक्स है। अब फिर आपूर्ति संबंधित जोखिम क्या है, गवर्नेंस की भारी खनिज संकीर्ण, उसके बाद देखेंगे एंड ऑफ लाइफ रिबेल्टीज और फिर आयात निर्भरता, आत्मनिर्भर और सब्टिव यूट्रीबिलिटी इंडेक्स जो है ये है। अब इसमें देख लेते हैं कि इंफोग्राफिक्स हो गया था। यह सूची खनन क्षेत्र में नीति निर्माण, राजनीतिक योजना और निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए एक मार्गदर्शक या फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करती है। अब है महत्वपूर्ण खनिज क्या है, महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व होते हैं जो आज अनिवार्य हो चुकी आधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण हेतु आधार हैं। साथ ही अक्सर इन खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने का खतरा बना रहता है। महत्वपूर्ण खनिज के कुछ उदाहरण हैं एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मट, कोबाल्ट, तांबा आदि। भारत के लिए कोबाल्ट के प्रमुख आयात स्रोत कौन है, चीन, अमेरिका और जापान है। लिथियम के प्रमुख आयात स्रोत है चिली, रूस और चीन है। उसके बाद देखेंगे निकल के लिए महत्वपूर्ण आयात स्रोत स्वीडन और चीन है। इन खनिजों का इस्तेमाल अब हर जगह किया जा रहा है, उदाहरण के लिए मोबाइल फोन, कंप्यूटर से लेकर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और सौर पैनल और पवन टर्बाइन जैसे हरित प्रौद्योगिकी के निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है। प्रत्येक देश की अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रणनीतिक विचार के आधार पर इस खनिज की अपनी अलग अलग सूची संबंधित है। अब महत्वपूर्ण खनिज से संबंधित संबंध में की गई प्रमुख पहले देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल इवेंट्स पार्टनरशिप, बस इसको देखना है। फिर है खनिज सुरक्षा साझेदारी, फिर आपूर्ति श्रृंखला में लचीला पहल है। उसके बाद है अपतटीय क्षेत्र, अब है अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में देखने जा रहे हैं। अपतटीय मतलब क्या होता है कि ऑफशोर एरियल मिनरल जो होते हैं उनके बारे में देखना है। हाल ही में राष्ट्रपति ने अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2023 को मंजूरी दी। जैसे ऊपर वाला भी खनिज के बारे में देखे थे, ठीक वही वाला है। इसके जरिए अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास अधिनियम 2002 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए किस में संशोधन हो रहा है, सन 2002 में जो एक विधेयक आया था तो अपतटीय खनिज के लिए संशोधन किया जाता है।
ठीक, इससे पहले जो हम देखे थे वो पहला वाला था कि जो खान खनिज से संबंधित था उसके लिए 1957 वाले में संशोधन करके 2023 में लाया गया था। दोनों में डिफरेंट याद रखिएगा कि जो खान और खनिज संशोधन विधेयक है वो संशोधन कर रहा है 1957 में आए हुए खान और खनिज विकास अधिनियम को कर रहा है, और जो उसके बाद अपतटीय क्षेत्र वाला है, अपतटीय क्षेत्र खनिज वाला, वो 2002 में जो विधेयक आया था उसको संशोधन कर रहा है। हो सकता है ये पूछा जाए क्योंकि उस समय भी यूपीए की सरकार थी तो जब ये संशोधन लाया गया था। यह भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मगर तट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों और खनिज संसाधनों के विकास तथा विनियमन का प्रावधान करता है। आपको पता है अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई हुई थी, करीबन 3 साल पहले, 3-4 साल कोरोना से पहले रिपोर्ट आई थी कि भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है समुद्र का, वहां पास अगर डीप ड्रिलिंग की जाएगी तो वहां बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त हो सकते हैं। इसे हाल ही में 1 साल पहले इसको एक लेकिन नियमावली लाई गई थी कि डीप समुद्र में जो है वहां कैसे खनिज करना है, उसके लिए कौन कौन सी मशीनें हैं। भारत ने कुछ देशों से समझौता भी इस चीज को लेकर किया था, तो उसके बाद अब उसको विधेयक के रूप में पास किया गया है। इसी के बारे में इसमें और देखना है। अपतटीय खनिज क्षेत्रों में संघ द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें लिख दे कि राज्य द्वारा यह विनियमित किया जाएगा। भारत के 9 राज्य जो अपने अलग अलग तट को छूते हैं उनके द्वारा यह नियंत्रित किया जाएगा, जो कि गलत है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जब यह समुद्र में आप जाते हैं तो समुद्र का क्षेत्र किसका आ जाता है, संघ का आ जाता है, इसीलिए संघ इसको विनियमित करेगा। तो ये समझ में आ गया कि इसको संघ ही विनियमित करेगा। अब इसको थोड़ा सा रेड वाला रफ कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है, बस इसको ऐसे मार्क कर दे रहे हैं। जब हम लोग एक वीडियो बनाएंगे पूरा एक साथ में कवर करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब उसके बाद है 200 मीटर से अधिक की गहराई पर गहरे समुद्र तल में से खनिज भंडारण को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपतटीय खनन कहलाती है। तो पूछेगा अपतटीय खनिज खनन से क्या तात्पर्य है, तो वहां 100 मीटर लिख देगा या बहुत ज्यादा गहरा लिख देगा। तो याद रखिएगा 200 मीटर से अधिक गहराई पर समुद्र तट में अगर खनन किया जाएगा तो उसे ही अपतटीय खनिज खनन माना जाएगा। अब इस थोड़ा क्षेत्र देख लेते हैं, अधिनियम में किए गए मुख्य बदलाव देख लेते हैं, क्योंकि अधिनियम 2002 का था तो उसमें बदलाव करके 2023 में क्या क्या किया गया है ये देखते हैं। एक तरफ क्षेत्र है, फिर अपतटीय क्षेत्र खनन अधिनियम 2002 का है, और जो अभी लेटेस्ट आया 2023 वो है। दोनों में देख लेते में परिवर्तन क्या, ऐसे में क्या होता है कंपेयर, जब ऐसे चार्ट बन जाता तो कंपेयर करने में आसानी होती है। लाइसेंस की प्रक्रिया देख ले, 2002 वाले में क्या थी कि पूर्व निरीक्षण, अन्वेषण और उत्पादन के लिए अलग लाइसेंस होता था, अलग अलग लाइसेंस होता था आपका। फिर अब इसमें जो नया वाला है इसमें क्या बोला गया कि अन्वेषण के साथ साथ उत्पादन का अधिकार देने के लिए समग्र लाइसेंस होगा, मतलब एक साथ की बात की गई है। वैधता क्या क्या थी 2002 में, वैधता थी कि उत्पादन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसमें से अगले 20 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर 50 वर्ष की बात की गई थी पहले वाले में, पहले 30 उसके बाद 20 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन समग्र लाइसेंस 2023 के तहत देखा जाए, समग्र लाइसेंस के उत्पादन पट्टा कितना कर दिया गया, 50 वर्ष के लिए वैध कर दिया। पहले जो था कि पहले 30 वर्ष के लिए देंगे, फिर अगर उसके बाद अगर सरकार चाहे तो उस इंसान को लाइसेंस दे या ना दे तो उसको वो उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता था, अगर चाहेगी तो उसको 20 वर्ष के लिए और दे सकती है। अब टोटल 50 वर्ष के लिए कर दिया गया है। अब नीलामी की प्रक्रिया देख लेते क्या है। हाँ, प्रशासनिक 2002 में क्या था, प्रशासनिक आवंटन के तहत रियायतें प्रदान करने के प्रावधान है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक आवंटन के तहत क्या होगा, रियायतें प्रदान करने के प्रावधान, अलग अलग समय पर हम अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग हिसाब से रियायतें देंगे, जैसे टैक्स में छूट दे सकते हैं उनके लिए, भूमि अधिग्रहण का जो बात आती है वो सब कर सकते हैं, लेबर अपने हिसाब से वो रखते, तो वो अपना अलग अलग रियायतें थी। लेकिन 2023 वाले में क्या है, यह प्रतिषेधात्मक बोली, यानी कि खुद मिला के बिल्डिंग से संबंधित है, द्वारा निजी क्षेत्रों को 2 प्रकार के परिचालन अधिकार प्रदान करता है, जैसे उत्पादन पट्टा और समग्र लाइसेंस। अब उसके बाद देखेंगे आरक्षित खनिज
सॉरी आरक्षित क्षेत्रों के खनन देख लेते हैं। यह विधेयक सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो कि परिचालन अधिकार के तहत नहीं आते हैं। 2023 में यह प्रशासनिक प्राधिकरण को यह अनुमति देता है कि वह सरकार या सरकारी कंपनियों को एक समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा दे सकता है। 2023 के अधिनियम में किए गए नए प्रावधान देख लेते हैं, क्या है? परमाणु खनिज का खनन केवल सरकारी या सरकारी कंपनी को ही अन्वेषण उत्पादन और समग्र लाइसेंस दिया जाएगा। जब हम परमाणु खनिज की बात करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे लिथियम या यूरेनियम, यूरेनियम संबंधित जो परमाणु खनिज संबंधित आते हैं, उनके लिए केवल सरकारी या तो सरकार या सरकारी कंपनी ही उसमें मतलब कि अन्वेषण कर सकती है। अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट है जो उसके बारे में, यह सरकार के लोक से लोक लेखा के तहत फंड का प्रावधान करेगा। यह फंड गैर व्यापक प्रकृति का है, नॉन लैप्सेबल है। इस फंड का उपयोग अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण आदि के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाएगा। अब है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल जो है उसको देखेंगे। नेशनल जियोग्राफी मतलब कुल मिलाकर एक डेटा बनाया गया है कि जो जियोग्राफिक से संबंधित उसके बारे में इसमें है। केंद्रीय खान मंत्री ने नेशनल जियोग्राफिक्स नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। इसे राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 के तहत एक भाग में लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल एक ही डिजिटल भू स्थानिक प्लेटफॉर्म पर सभी भू वैज्ञानिक, भू रासायनिक, भू भौतिकी और भू खनिज अन्वेषण संबंधित डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा। इस पोर्टल के विकास की जिम्मेदारी भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण को दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, बस दिया जाएगा कि इसको IIT को दिया गया है या किसी को दिया गया है, हाँ, लेकिन नहीं, ये जो दिया गया राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में जो इसको पूरी जानकारी प्रदान करेगा उसको ये जिम्मेदारी पोर्टल की दी गई है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति 2016 के बारे में देखते हैं। इस नीति के उद्देश्य निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाकर देश में खनिज अन्वेषण कार्य में तेजी लाना है। जो राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति के प्रमुख बिंदु पर एक नजर देख लेते हैं। पहचाने गए अन्वेषण ब्लॉक को अन्वेषण हेतु निजी क्षेत्रों को सौंपने के लिए ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। निजी क्षेत्रों को ये अन्वेषण ब्लॉक राजस्व साझा करने के लिए नीति का आधार आवंटित करेगी। बेसलाइन भू वैज्ञानिक डेटा को पब्लिक गुड्स माना जाएगा। और इसमें और कुछ नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 1851 में हुई थी। मंत्रालय क्या था? खनन मंत्रालय थे। कार्य क्या है इसका? राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक डेटा संग्रह करना और अपडेट करना, खनिज संसाधनों का आकलन करना, हवाई व समुद्री सर्वेक्षण करना। फिर क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है? लखनऊ में है, जयपुर में है, नागपुर में, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता में है। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र देख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आता है आपका ज्योग्राफी से भी आ जाता है, साइंस और टेक्स से भी आ जा रहा है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स से हो जा रहा है। इसको भी देख लेते हैं। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र 5वां संशोधन अधिनियम 2023 अधिसूचित किया। ये नियम जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 के धारा 55 के अधीन दी गई शक्तियों के प्रयोग करके अधिसूचित किए गए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 5वां संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए जो 2006 को संशोधित कर रहा है। संशोधित नियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं वाले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बिल्ट अप एरिया के एक हिस्से को नॉन प्रोसेसिंग एरिया घोषित किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए शर्त यह होगी कि ऐसे क्षेत्रों में जो कर रियायतें मिलती हैं
वह पुनर्भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थिति प्रोसेसिंग एरिया की वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं को प्रदान करने संबंधित कार्य किया जाते हैं, वहीं नॉन प्रोसेसिंग एरिया के सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। बस इसमें और इम्पोर्टेंट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के उद्देश्य देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना, ये सब जो है इसके उद्देश्य हैं। बाकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मिलने वाले विशेष प्रोत्साहन क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाई के विकास, संचालन और रख रखाव के लिए बिना किसी शुल्क के वस्तुओं के आयात और निर्यात की खरीद की अनुमति देता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन केंद्रीय बिक्री कर सेवा और राज्य बिक्री कर सेवा से छूट दी गई है। हालांकि ये कर अब जीएसटी में शामिल हो गए हैं। संबंधित राज्य सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाइयों को कई अन्य शुल्क से भी छूट दी गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं पर IGST अधिनियम 2017 के तहत शून्य कर यानी कोई कर नहीं लगाया जाता है। फिर उसके बाद देखें, केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की गई है। अब उसके बाद देखें, उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना जो PLI है, वो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है, उनके बारे में देखने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अब किसी नए क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना शुरू नहीं करने का निर्णय लिया है कि इस क्षेत्र में जब कोई नया क्षेत्र होता है, उसके जब उत्पादन होता है, उसमें कार्य होता है, उसमें कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, तो उसके लिए अब केंद्र सरकार ने सोचा है कि अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा जिन क्षेत्रों या योजना शुरू की जा चुकी है उसमें से कुछ क्षेत्रों में योजनाओं के स्तर पर सुधार की आवश्यकता का आकलन किया है। अब है PLI योजना के तहत आने वाले क्षेत्र, बस ये देख लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं है। पहला है ड्रोन, फिर है ड्रोन घटक, मतलब ड्रोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए, फिर चिकित्सीय उपकरण, फिर ऑटोमोबाइल के ऑटो घटक, फिर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक घटक, फर्म औषधियां, खाद्य उत्पादन, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक व IT हार्डवेयर, सौर फोटोवोल्टिक मॉडल, विशेष इस्पात, वाइड गुड्स, फिर उसके बाद है फार्मा API और KMS, दूर संचार और नेटवर्क, एडवांस केमिस्ट्रिक सेल्स, बैटरी, ड्रोन और ड्रोन घटक। ये सब देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको इसमें मिल जाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर आते हैं। इस योजना के अंदर PLI योजना के बारे में देखते हैं, इसे पहली बार मार्च 2020 में शुरू किया गया था। PLI अलग अलग क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन विनिर्माताओं के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना थी। ये प्रोत्साहन किसी कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाने, अर्थात सरकार वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती थी। PLI योजना में कई क्षेत्रों को ध्यान में रख कर तैयार किया जाता है। इसका कुल परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपए, लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों के उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें वैश्विक चैंपियंस विनिर्माता बनाने में मदद करता है। इस योजना के लाभ देख लेते हैं, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना है, फिर आत्मनिर्भर की प्राप्ति और निर्यात में वृद्धि करना है, पूंजीगत परिव्यय बना करना है, फिर हरित निवेश को बढ़ावा देना है, फिर है IT हार्डवेयर से के उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन, जो हार्डवेयर होता है IT के उससे संबंधित इस जो PLI में ही आता है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना को अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाना है। अब योजना से होने वाले संभावित लाभ देख ले क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्रों में लगभग 3.35 लाख करोड़ रुपए के कुल उत्पादन की उम्मीद है। इसके चलते इस क्षेत्र में
2430 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की उम्मीद है। इससे प्रत्यक्ष तौर पर 75,000 अतिरिक्त नौकरियों का सृजन होगा। बस इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। अब है भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग, ये थोड़ा हॉट विषय हो गया है। सेमीकंडक्टर इस समय बहुत चर्चा में रहता है। केंद्र सरकार ने संशोधित सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में सेमीकंडक्टर फॉब्स और डिस्प्ले फॉब्स को स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने की निर्णय लिया है। संशोधित सेमीकॉम इंडिया प्रोग्राम के बारे में मंत्रालय क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य कंपनी भागीदारों को आकर्षित प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फॉब्स, डिस्प्ले फॉब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए कार्य लगे हुए हैं। इस योजना के तहत 6 वर्ष के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर विभाग इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए नामित नोडल एजेंसी है। संशोधित सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की 4 योजनाएं देखने पे क्या क्या है। भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना है। भारत के लिए डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधन करना है। भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब, डिस्क्रोज सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर OSAT केंद्र की स्थापना करना है। डिजाइन से संबंधित प्रोत्साहन योजना है। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। अब है राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग अधिनियम 2023। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है क्योंकि ये जब कोविड टाइम में चेंज की गई थी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर, तो उस समय क्वेश्चन आया था। इस समय नया विधेयक लाया गया तो हो सकता है प्रश्न बने। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 को मसौदा जारी किया। इसका उद्देश्य फार्मेसी अधिनियम 1948 को प्रतिस्थापित करना और मौजूदा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग की स्थापना करना। यानी काउंसिल से अब क्या हो जाएगा, ये आयोग करने कमीशन हो जाएगा। प्रस्तावित विधेयक के अन्य उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ाना, गुणवत्ता पूर्वक और वहनी फार्मास्यूटिकल शिक्षा तक पहुंच में सुधार, पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले फार्मेसी पेशेवर की उपलब्ध कराना, प्रासंगिक मामले के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना, फार्मेसी संस्थाओं का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करना और भारत के लिए फार्मेसी रजिस्टर के रखरखाव को सुगम बनाना है। भारत का फार्मेसी सेंटर देख लेते हैं क्या है। भारतीय फार्मा उद्योग दुनिया के 3rd सबसे बड़ा फार्मा उद्योग है। ये आ गया प्रश्न हमारा कि जो भारत का फार्मा उद्योग है वो विश्व का 3rd सबसे बड़ा उद्योग फार्मा उद्योग हो गया है। फिर है वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारतीय फार्मा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 60% है, यानी कि आधे से ज्यादा। फिर उसके बाद है कि डिप्थीरिया पर्टुलिस और टिटनिस, यानी DPT, बैसिलिस कैलमेट गुएनिन, यानी BCG वैक्सीन से लेकर WHO के 70% आवश्यकताओं की पूर्ति भारत करता है। फिर है भारतीय फार्मा उद्योग के प्रमुख खंड क्या है, जेनरिक दवाएं हैं सबसे पहले, फिर वैक्सीन है, कि बल्क ड्रग है, फिर ओवर द काउंट दवाएं हैं, फिर बायोसिलिमर और बायोलॉजिकल्स हैं, फिर है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और विनिर्माण है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, देख लेते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 1948 का है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फार्मेसी अधिनियम 1948 का देख लेते क्या क्या बात है। इसे भारत में फार्मेसी के क्षेत्र को विनियमित करने के लिए लागू किया गया था। इसके तहत फार्मेसी के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति के लिए समान प्रशिक्षण और शिक्षा का मानकीकरण किया गया था। इससे यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार फार्मेसी
काउंसिल ऑफ इंडिया का नामकरण एक केंद्रीय परिषद का गठन करेगी। इस अधिनियम में फार्मास्यूटिकल के पंजीकरण के लिए राज्य फार्मेसी काउंसिल के गठन और उसके कार्यों को प्रावधान किया गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय फार्मेसी परिषद के बारे में देखिए, इसकी उत्पत्ति कब हुई है 1948 के अधिनियम के तहत। ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। मंत्रालय क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य फार्मेसी शिक्षा और फार्मेसी के पेशे व पेशों से जुड़े कार्यों को विनियमित करना है। फिर है शैक्षिक मापदंडों का निर्धारण करना और उसके क्रियान्वयन को एक रूपता लाना है। फार्मेसी संस्थाओं का निरीक्षण करना, फार्मास्यूटिकल के अध्ययन और परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम को मंजूरी प्रदान करना है। फिर है फार्मास्यूटिकल के एक केंद्रीय रजिस्टर का रखरखाव करना है। अब नए आयोग जो बना है, विधेयक बना है, उसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग का गठन किया गठन करेगी। आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे। पहला कार्य जो होगा फार्मेसी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नीतियां तैयार करना, प्रशासनिक मानदंडों का विनियमन करना है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए उद्योग और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना है। विभिन्न बोर्डों के निर्माण से संबंधित अपीली क्षेत्रों का प्रयोग करना है। केंद्र सरकार NPS के अधीन कार्य करने वाले 3 बोर्ड्स का गठन करेगी। पहला है फार्मेसी शिक्षा बोर्ड, फिर है फार्मेसी आकलन रिपोर्ट आकलन और रेटिंग बोर्ड, फार्मेसी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड है। अब उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में देखने जा रहे हैं। ये देखा एक बार में रंगा आ जाता है, यही सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा उपकरण नीति 2023 है। सुर्खियों में क्यों है ये? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय शिक्षा उपकरण नीति जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो उपकरण बनते हैं उनके बारे में है, इसके लिए एक नई मंजूरी मिली है, उसमें वही इसमें पढ़ना है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति संबंधित लक्ष्य क्या है? भारत को अगले 25 वर्ष में शिक्षा उपकरणों के विनिर्माण और अवसंरचना में विश्व को अग्रणी देश बनाना है। वर्ष 2023 का परिवर्ष 2030 तक शिक्षा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान में $11 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन तक पहुंचाने में मदद करना है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में व्यवस्थित विकास में मदद करना है। इससे लोक स्वास्थ्य की पहुंच, वाहिनी गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित उद्देश्य की पूर्ति करना है। चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग वर्तमान में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथे सबसे बड़े एशिया उपकरण बाजार बन गया है। यानी भारत जो है ये जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद चौथा सबसे बड़ा जो एशिया का जो चिकित्सा उपकरण बनाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन में जो काम आते हैं, या तो जो निडल होती है, सुई होती है, वो सब उपकरण जो होते हैं उसमें वो चौथा सबसे बड़ा देश है। हालांकि भारत में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां उपस्थित हैं जिनकी कुल बिक्री आयात चिकित्सा उपकरणों की हिस्सेदारी में 75-80% की है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के मुख्य विशेषताएं क्या देख लेते हैं। इस नीति के तहत नीतिगत उपायों के लिए निम्नलिखित 6 व्यापक क्षेत्र को शामिल किया गया है। पहला है विनियमित तंत्र को सुव्यवस्थित करना। इसके बारे में क्या है? इसके तहत लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। बीएसआई जैसे भारतीय मानकों की भूमिका बढ़ाई जाएगी और एक सुसंगत मूल्य निर्धारित तैयार करने की जाएगी। फिर है सक्षमकारी बुनियादी ढांचा। आर्थिक क्षेत्र के निकट विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं को सुसज्जित बड़े उपकरण पार्क्स और क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। फिर अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में सहायता दी जाएगी, जिसमें आप देखेंगे उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जाएंगे, नए नए बात की जाएंगे, बट स्टार्टअप इंडिया से समर्थित है। फिर है राष्ट्रीय क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना, निजी निवेश को बढ़ाना, पूंजीगत उद्योग को बढ़ाना, इसके बारे में है। मानव संसाधन विकास विकास
कि लोगों को उसमें सक्षम बनाना है, कैसे कार्य करना है, विदेशों से जो आप अकादमिक जो शिक्षा प्राप्त है उनके बारे में है और कुछ नहीं इसमें। फिर संबंधित सुर्खियां देख लेते हैं। संबंधित सुविधाओं के लिए चिकित्सीय उपकरण क्लस्टर हेतु सहायता, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये घटक है उद्देश्य प्रोत्साहन, बाकी इसमें और कुछ नहीं था। ये भी जो हमारा खनन संबंधित जो रिवीजन था वो भी खत्म हो गया करंट अफेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे, अवसंरचना के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।